हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज्यादा क्विकली। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। नाइट स्किन केयर रूटीन के इम्पोर्टेंस तो भाई आपको पता होनी ही चाहिए, मगर क्यों? विदाउट दैट आपको बहुत सारे स्किन कंसर्न हो सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि जब भी आप बाहर से आते हो आपकी स्किन पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, स्वेट होता है, डर्ट होता है, और आपके पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लॉग्ड होते हैं। कभी आपने कुछ स्किन पे लगा रखा होता है, समटाइम्स मेकअप, समटाइम्स कोई क्रीम या कुछ भी। इस वजह से आपको एक अच्छा सा नाइट स्किन केयर रूटीन करना चाहिए सोने से पहले। प्यारी समझ गई। नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट यूज सो मेनी प्रोडक्ट्स इन नाइट स्किन केयर रूटीन। तू समझा? हाँ। तो मेरा पहला स्टेप है, तो पहले मैं चेंज करूंगी, थोड़ा अपने कम्फर्टेबल अवतार में आऊंगी, एंड उसके बाद अपना छोटा सा गमछा या फिर अपना छोटा सा ताल लेकर के हम निकल पड़ते हैं वॉशरूम की तरफ। उसके बाद मैं फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश को बस अपने हाथ पे निकाल लेते हैं और डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। इट्स नॉट द करेक्ट वे टू अप्लाई फेस वॉश। ए चुप्पे। जनरली फेस वॉशेस की कॉन्सेंट्रेटेड कंसिस्टेंसी होती है, तो थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहिए पहले पानी के साथ। तो सबसे पहले आई जस्ट टेक सम फेस वॉश ऑन माई पाम और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करती हूँ, दोनों को अच्छे से रब करती हूँ, देन आई जस्ट सिंपली अप्लाई ऑन माई फेस, ऑल ओवर माई फेस। जस्ट अच्छे से मसाज करो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तो दे दो अपने आप को सोने से पहले। अब्बा नहीं मानेंगे। तो अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि आपको 7-8 घंटे की नींद लेनी है, तो गंदे फेस के साथ नहीं जा सकते। मतलब क्लीनिंग तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है, जस्ट मैं थोड़े ज्यादा कंसर्न रहती हूँ क्लीनिंग वाले पार्ट में, क्योंकि क्लीनिंग ही नहीं अच्छे से हुई तो आगे की कोई भी स्टेप मतलब मुझे नहीं लगता काम करेगा। तो क्लीनिंग वीनिंग हो गई, फिर टाल उठाया, पैड ड्राई करना है, घिसना नहीं है चेहरे पे, मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर उसे रगड़ के बिल्कुल घिस करके मैंने बिल्कुल सुखा लिया ना स्किन को बिल्कुल जल्दबाजी में, तो पता नहीं ऐसा सा रेड रेड हो जाता है, इची सी हो जाती है, ड्राई ड्राई सी हो जाती है, तो वो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ। इट्स बेटर कि आप हमेशा एयर ड्राई करो, अगर आपके पास थोड़ा भी 2-3 मिनट का पेशेंस है तो अपने आप ही स्किन सूख जाती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। उसके बाद माय फर्स्ट गो टू थिंग इज माय फेवरेट विटामिन सी सीरम। मैं बेसिकली 3 से 4 ड्रॉप लेती हूँ, फोरहेड पे, चीक्स पर और पूरे फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अच्छे से उसके बाद मसाज करती हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट की मसाज। आई स्टार्ट विथ माई चीक्स। चीक्स पे मुझे कुछ भी लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो चीक्स पे पहले अच्छे से मसाज करना, उसके बाद आईज की एंड्स पे अच्छे से मसाज करना, इन सब एरियाज को ज्यादा जरूरत होती है मसाज की, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज वो एरियाज ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉन टू रिंकल होते हैं। आप जब से लाइक यू आर स्माइलिंग राइट, जब हम हंसते हैं इस तरह से, तो हमारे ये वाले एरिया पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली लाइन्स आती है, एक साइकिल चलती रहती है, ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, इसी तरह हमारी स्माइलिंग लाइन भी यहाँ पर आती है। तो जो जो लाइन्स हमारे फेस पे आती हैं, फोरहेड पे भी बहुत ज़्यादा, हमारा तो ये एक्सप्रेशन यूजुअली काफ़ी टाइम रहता है, तो हमारे माथे पे एक काइंड ऑफ टेंशन रहता ही रहता है 24 घंटे। बेसिकली जहाँ पे भी मुझे लगता है मेरे फेस पर रिंकल्स की टेंडेंसी है, या जहाँ पे भी लाइन्स यूजुअली आ जाती हैं किसी भी यूजुअल एक्सप्रेशन में, तो मैं उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करती हूँ वाइल्ड डूइंग मसाज। तो 3 से 4 मिनट की विटामिन सी की मैंने मसाज दे दी, उसके बाद मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट, सो दैट विटामिन सी कुड गेट अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन अच्छे से। और जब मुझे लगता है कि ठीक है अब भी आई कैन अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, वो थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ऑयली सा है, पर 2-3 मिनट के बाद यू विल फील थोड़ा सा आपको कुछ मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। तो उसके बाद आई यूज, अभी तो मैं फॉर्मूला RX का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। थोड़े थोड़े समर्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं, मैं पुणे, तो पुणे का वेदर बहुत ड्राई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी के हिसाब से वो मॉइस्चराइजर मुझे ठीक लगा। फॉर्मूला RX का मॉइस्चराइजर राइट नाउ आई एम यूजिंग। इससे पहले मैं क्यूटी रिपेयर का मॉइस्चराइजर यूज करती थी, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, और आप उसको लगाओगे बहुत अच्छे से स्किन से पी जाती है, अच्छा खासा हाइड्रेशन देती है, मतलब आपको 4-5 घंटे तक बिल्कुल लगेगा नहीं कि स्किन पे और किसी ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत भी है। तो बेसिकली रात को कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। 7-8 घंटे के लिए हम सो जाते हैं, हम स्किन पे ऐसा कोई ध्यान नहीं देते उन 7-8 घंटे में, राइट? तो कुछ ऐसा ही लगा के सोना चाहिए कि हमारी स्किन प्रॉपर रिपेयर हो, क्योंकि रात का समय ही एक तरह से रिपेयर वाला होता है, आपके पूरे ऑर्गन्स तसल्ली मांगते हैं, आपकी स्किन तसल्ली मांगती है, सबको एक काइंड ऑफ रेस्ट चाहिए होता है, रिपेयर चाहिए होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यही 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ,
और इसके अलावा पता नहीं लोग क्या क्या यूज करते हैं, बेसिकली अंडर आई क्रीम यूज करते हैं, मैंने देखा है 2-3 तरह के सीरम यूज करते हैं, फेशियल ऑयल यूज करते हैं, मतलब दुनिया भर का जो भी होता है ना सारे प्रोडक्ट, मुझे लगता है उन्होंने दुकान खोल रखी होती है काफी सारे लोगों ने। असंभव। देखो पहली बात तो ना मेरे पास इतने पैसे हैं सारे स्किन केयर ब्रांड्स ले आऊं, सब कुछ अप्लाई करूं, तो बस इतना सा ही था मेरा स्किन केयर रूटीन। तो बस आपसे इतना कहना चाहूंगी किसी के भी पैसे पेड़ पे नहीं लगते, आप सबकी हार्ड एंड मनी है, तो मुझे नहीं लगता आपको स्किन पे सारी चीजें लगाने की जरूरत है, आपको बस एक दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ये चीजें हमारी स्किन को सूट कर रही है। पहले तू दे। जस्ट डोंट वेस्ट योर मनी इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरी ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है तो मेरे लिए ये दो प्रोडक्ट अच्छा काम करते हैं। हो सकता है आपकी स्किन का टाइप अलग हो, तो ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको सूट करेंगे। उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। मुझे भी काफी साल लगे, उसके बाद मुझे चीजें पता चली हैं, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स मिले हैं जो मुझे काफी सूट करते हैं। मेरा एजेंडा इस वीडियो को बनाने का बस इतना सा था कि आपको 50 तरह के प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं, आपको कम प्रोडक्ट्स में ही काफी अच्छी स्किन मिल सकती है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।